वितरण से क्या फायदा है कोई बताइए, वही पूछ रहे हैं क्या फायदा आपको। जब पूरा मोहती नगर आपको हड़ताल में, आप क्यों बांट रहे हैं? मशीन आपका जमा होगा, पहले क्यों काटे आप? दिन दिन भर हड़ताल, रात के चाय पीलो। अच्छा, ग्रुप में मैसेज, एक मिनट, ग्रुप में मैसेज तो आप देखे कि वितरण के लिए, ये ना देखिए जो माला जूता का पहनाया गया उसको, ये देखे हैं ये बात लग रहा है ना, जगरा माला के जूता अखनी अगर 20 गो के एक काम करते तब मशीन ले रहे हो। हेमंत चौधरी अपने आ रहा खुलल, अब 50 गो डीलर आए तो तकरा बाद दिखते ग्रुप में देख लिए ना फोटो अपने यार, मशीन दे दियो, मशीन जमा कीजिए, मशीन जमा कीजिए, सुबोध भाई के पास मशीन जमा रहेगा। ओ चार्ज में लगा के ऑनलाइन हो जाए, कट जाते हैं, उतना बात ही नजर आई मशीन ना, हम सेटिंग हम सेटिंग चेंज कर दे शुरू कर, हां वो कर दो शुरू जा, मशीन ऑन करवा कर पहले स्टॉक निकाला ओकर बाद हम देख लेंगे। बताइए पूरा मोहदीन हड़ताल। साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा है वो कहीं ना कहीं हम लोगों की एकता को कमज़ोर करने की साजिश है। अब वो कोटेदार जानबूझ कर कर रहे हैं कि उनसे करवाया जा रहा है, ये पता लगाना हम सब की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जब तक हम लोगों की हड़ताल शुरू है और आज 6वां दिन हो गया, तमाम ऐसे प्रिंट मीडिया और बड़े बड़े मीडिया यूट्यूब चैनल हम लोगों की खबर को नहीं दिखाते हैं। दोस्तों मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, अभी आप लोग सोचेंगे कि मैं अपनी चैनल की प्रमोशन की बात कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों के लिए सही सही न्यूज़ें और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। और आप लोगों से बस मैं यही आशा करता हूं, हमेशा छोटी सी आशा रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो की लाइक करते हैं तो एक उत्साहन भरा जोश के साथ हम दूसरी वीडियो की तैयारी करते हैं और वो सही जानकारी आप लोगों की पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मुद्दे पर आते हैं कि ऐसे लोग आखिर 30,000 मांग कर रहे हैं और 30,000 की चाहत करने वाले हैं और अपने घर पे वो लोग राशन वितरण के काम कर रहे हैं, और ये जानते हुए भी कि 1 तारीख से हमारे एसोसिएशन के लोग तमाम बिहार के तमाम ज़िले और तमाम जगहों से लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए, और वही वो लोग राशन वितरण का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी एकता को कमज़ोर किया जा रहा है, और जब हमारी एकता कमज़ोर हो जाएगी तो हम लोगों को अभी और लड़ना पड़ेगा, सरकार से हम लोगों की अभी और मांग करनी पड़ेगी, तब सरकार जाके मानने वाली है। दोस्तों सरकार भी कहीं ना कहीं ये देख रही है कि आखिर आप लोगों की एकता में कितना दम है, और इस चीज़ को हम लोगों को प्रूफ करना है और सरकार को ये दिखाना है कि नहीं, हम लोगों की एकता में दम है, और जब हम चाहेंगे, जब हम लोग धरना प्रदर्शन पर आ जाएंगे अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है। हम नहीं मानने का मतलब ये है दोस्तों कि जब तक हम लोगों को मानदेय सरकार सुनिश्चित नहीं करती है। वहीं देखिएगा दोस्तों गुजरात में 20,000 रुपये मानदेय वो लोग पा रहे हैं, और हम लोगों का क्या दोस्तों, जब से वन नेशन वन कार्ड वाला ऑप्शन आया है दोस्तों, हम लोगों का खाद्यान्न भी ढंग से नहीं उठान हो रहा है। ऐसे में दोस्तों हम लोगों का भरण पोषण कैसे हो, ये सब सोचना होगा, और उन कोटेदारों के पास इस वीडियो को पहुंचाना होगा जो लोग घर में बैठ करके राशन वितरण का काम कर रहे हैं। वीडियो लंबी हो गई हो दोस्तों तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इतनी बात आप लोगों से करनी थी। दोस्तों दोपहर में वीडियो आएगी, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसको मिस ना करिएगा, और उसको मिस नहीं करेंगे तो उसमें और अच्छी मैं आप लोगों को न्यूज़ देने जा रहा हूँ, अच्छी जानकारी मैं पहुँचाने जा रहा हूँ, जिसको सुन करके आप लोग खुशी से झूम पड़ेंगे। तो आखिरी में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों कहना यही है कि उन लोगों को समझाना है जो लोग राशन वितरण का काम कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।